वो अभी डिलीवर नहीं हो पाई हैं, वो आ जाएंगी। यहाँ लॉक भी लगा हुआ है, ड्रॉर भी बना हुआ है। तो पहले से बाहर मैंने पौधा लगाया था, ये मोगरे का है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैंने इसमें खिलेंगे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। वेलकम टू द चैनल कैच लाइफ विद अ मॉम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद अ मॉम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यहाँ पर जितना भी लोकल ग्रोसरी का सामान होता है जो मुझे रोज़ के लिए चाहिए होता है, जैसे दूध हो गया, बाकी सब चीज़ें हो गई, तो वो मैं ऐसी ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। बहुत ही क्विक आ जाता है, 8-10 मिनट में डिलीवरी हो जाती है, बहुत क्विक डिलीवरीज है यहाँ पर। तो बस ये सब चीज़ें मंगा लेती हूँ। एंड जब से यहाँ पर हम आए हैं ना, लिटरली काम ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। मैं इस पूरा दिन इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, बैठने का सोचती हूँ कि चलो आज मैं आराम करूँगी। एवरी डे रात को ये प्लान करके सोचती हूँ कि मैं आज ज़रूर आराम करूँगी, नेक्स्ट डे बिल्कुल काम रेगुलर वाला करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। बट इतने काम हो जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता रेस्ट करने का, और काम तो फिर भी चलते ही रहते हैं। तो साइड बाई साइड बेसिक वाले काम जो ज़रूरी वाले वो भी करती रहती हूँ, सेटअप वगैरह भी साथ साथ में करते रहते हैं। हमें आए हुए काफ़ी दिन हो गए और अब हमें फर्नीचर भी सेटअप करना है, तो हमने कुछ फर्नीचर ऑर्डर किया हुआ था जो आज आने वाला है, इसलिए मैं फटाफट अपना काम कंप्लीट कर रही हूँ। और यहाँ पर आ गए थे फर्नीचर वाले भैया फर्नीचर लेकर। दरवाज़ा खोलो बेबी, दरवाज़ा खोलो जल्दी से, यहाँ इस साइड पे लगा देना बेड के, यहाँ साइड में जगह है ना, इधर नहीं नहीं इधर 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 इधर। अभी तो हमें सारा ज़रूरत का फर्नीचर वगैरह लेना है, तो बस धीरे धीरे ऑर्डर कर रहे हैं। लास्ट वीकेंड मार्केट गए थे तब कुछ सामान ऑर्डर कर दिया था, तो बस वही फर्नीचर पीसेज आए थे। इधर मोड़ दो भैया, इधर इस तरफ मोड़ना है, मेरी तरफ। हाँ वही। तो सबसे पहले हमने जाके ड्रेसिंग टेबल ऑर्डर करा था, ये बहुत ज़रूरी था बिकॉज मेरा जितना भी मेकअप का कॉस्मेटिक का सामान है वो सारा बैग्स में बाहर पड़ा हुआ है, और ऐसे यूज़ करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले ही ड्रेसिंग टेबल मंगा लिया बिकॉज ये सेटअप हो जाएगा तो मेरा सामान भी एडजस्ट हो जाएगा। हाँ ऊपर वाले में लगा दो, निकाल दो पॉलिथीन सारा निकाल दो। इसे हमने थोड़ा सा कस्टमाइज कराया है बिकॉज मुझे अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्लैंक्स एक्स्ट्रा चाहिए थे, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एक प्लैंक लगवाया है। और ये एक और दूसरा फर्नीचर पीस हमने मंगाया था, तो ये भी साथ में ही डिलीवर हुआ था। धीरे धीरे अब सारा सामान ले रहे हैं क्योंकि घर तो पूरा सेटअप करना ही है। और साथ में मैं बना रही थी कोफ्ते की सब्ज़ी, एक्चुअली कोफ्ते तो मैं बना रही थी सब्जी बनाने के लिए, बट शाम को क्यांश और उसके पापा ने सारे ख़त्म कर दिए थे तो सब्जी बनाने के लिए बचे ही नहीं थे, इतने टेस्टी बने हुए थे तो ऐसे ही ख़त्म हो गए थे। साथ में मैंने रखा था हलवा बनने के लिए, हलवा मैंने भगवान जी के भोग के लिए रखा था। मैंने सोचा क्यांश ने भी बहुत दिन से हलवा नहीं खाया तो वो भी साथ में खा लेगा, उसे बहुत पसंद आता है ये हलवा सूजी का। तो मैंने थोड़ी सी सूजी ली थी, उसे हल्का सा रोस्ट करने के बाद चीनी वगैरह डाल दी थी और उसको अच्छे से भून लिया था, और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था, और बनाने के बाद मैंने साथ में ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको रेडी कर लिया था। मेरी आरती का भी टाइम हो गया था तो मैंने साथ में भगवान जी को भोग लगा दिया था, और उसके बाद आरती वगैरह साथ में कंप्लीट कर ली थी। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, श्री राम श्री राम। ये ड्रेसिंग टेबल मंगाया हमने अपने रूम के लिए, और काफी बड़ा है और ब्रॉड भी बहुत ज्यादा है, ये पूरा इतना बड़ा है। और जो पहले वाला था, मतलब जो मेरे रूम में वहाँ पे था, वो वॉल माउंटेड था, मेरे हस्बैंड ने ही वॉल में बनवा रखा था, उसमें तो बहुत ज़्यादा स्पेस था, काफ़ी कुछ रखा था मैंने। और इसमें ये भी बहुत बड़ा है बट इसमें इन्होंने ये कम दिए हैं, ये एक हमने कस्टमाइज करा के एक्स्ट्रा लगवाया है। मतलब पहले जो था वो ये वाला था, एक प्लैंक ये था और ऐसे बना हुआ था, तो ये हमने कस्टमाइज करा के बनवाया लगवाया है एक्स्ट्रा। और यहाँ पर ये इतना वाइड, इसलिए यहाँ पर आ जाएंगी बैंगल्स वाली जो रॉड्स आती हैं, वो अभी डिलीवर नहीं हो पाई हैं, वो आ जाएंगी। यहाँ लॉक भी लगा हुआ है और ऊपर LED है, और नीचे तीन बड़े बड़े ड्रॉर हैं, यहाँ भी स्पेस है, मीन मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे कुछ सामान रख सकती हूँ। और ये ऐसे तीन बड़े बड़े ड्रॉर्स हैं, काफ़ी वाइड है, मुझे नहीं पता आपको कैमरा में कितना दिख रहा है, बहुत ज़्यादा वाइड है ये, और नीचे भी है। तो तीन ये ड्रॉर से सामान रखने के लिए, और पीछे बैक स्पेस भी है, तो इसमें सारा सामान आ सकता है। ये ड्रेसिंग टेबल है, अब इसमें सामान एडजस्ट करूंगी मैं।
और इस ड्रेसिंग टेबल के साथ ही ये भी आया है, ये भी हमने मंगाया है, शूराक मंगाया है ब्राउन कलर में। इसका टोन बहुत अच्छा लगा था हमें, और बेसिकली हमें ना जो चाहिए था वो वाइड चाहिए थी। अगर आपको दिख रहा है तो ये काफ़ी लंबा है, बिकॉज जो छोटे दूसरे मिल रहे थे ना वो यहाँ तक के मिल रहे थे। हमारे पास बहुत सारे शूज़ हैं, कैश के भी बहुत सारे शूज़ वगैरह हैं, तो हमें वाइड वाला चाहिए था, मतलब लंबा होना चाहिए, जो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई ना करे बट लंबा हो। तो ये इस तरह का हमें कैबिनेट मिल गया है, और इसमें यहाँ पे है रखने के लिए 1, 2, 3, 4 स्पेसेस हैं ये, और ये भी काफ़ी लंबा है। तो देखते हैं इसमें कितने शूज़ हमारे अकोमोडेट हो पाएंगे, बिकॉज वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ शूज सैंडल्स। ये ऊपर एक ड्रॉर भी बना हुआ है टू पुट एनीथिंग, तो इसमें हम कुछ सामान अपना रख सकते हैं। सब पे लॉक लगे हुए हैं, ये सबसे अच्छी बात है, और यहाँ पर भी हैं, तो ये भी काफ़ी वाइड है इस तरह का। तो डीप भी बनाया हुआ था, अच्छा खासा है। तो ये हमने बनाया ऊपर, हम कुछ डेकोर मतलब रखनी जो मैंने डिसाइड किया, तो ये इस तरह का है। तो ये मुझे यहीं चाहिए था इसलिए यहीं रखवा दिया है। तो ये शूराक भी आ गया, अब इसमें शूज़ वगैरह सेट कर लेंगे। तो ये चीज़ें आज नहीं आई हैं, आज तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। ये तो मैंने भगवान जी के भोग के लिए हलवा बनाया था, और यहाँ पर बना दिया आज खिचड़ी, कुछ नहीं सिंपल खिचड़ी बना दी है, बिकॉज काफ़ी सारे काम हो जाते हैं ना, तो बस मेरे को चेक करना है कि बन गई है या कि। बाहर मैंने पौधा लगाया था, ये मोगरे का है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें 3 फ्लावर्स खिले थे एक ही दिन में, खिले हैं 3 फ्लावर्स, बर्ड्स आए हुए थे जब मैंने लिया था। तो मैंने इसको एक कटोरी में डाल के यहाँ रख रही हूँ, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है रूम में इससे, बड़ा सुंदर सा। मैं आपको दिखाती हूँ उसको ना, जब मैं लेकर आई थी मैंने लगाया था, सारे पौधे लगा दिए थे ना उसमें, अभी भी देखो बर्ड्स हैं इसमें, नए नए इसमें खिलेंगे, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और मैंने ऐसे अरेंज करें तो ये सारे हैं, यहाँ पर ये रख दिया, ये ग्रो हो रहा है, इसमें भी छोटे छोटे से ग्रो हो रहा है। यहाँ मैंने इसमें डाला है मैंने धनिया, ये छोटा छोटा धनिया डाला मैंने इसमें, और ये तो बिल्कुल ड्राई हो चुका था बट रिवाइव हो रहा है, बारिश आ रही है ना, तो देखो ग्रीन ग्रीन हो रहा है। और बाकी ये लगाए हैं, वैसे तो कभी भी कैश किचन से खुद कुछ नहीं लेता, मैं ही उसे निकाल के देती हूँ, बट मैं यहाँ पर अंदर आई तो कैश खुद ही कुछ निकालने में लगा हुआ था। ये क्या हो रहा है अपने आप, मम्मा को सारा ले लोगे, मम्मा के लिए नहीं रखोगे थोड़ा सा? नहीं खाया, खा लिया मैंने। अपे अपे लेने के लिए आ गया, इतना इतना मजा आ गया नोनू को हलवा देख के। चलो पहले ये खा लो, और चाहिए होगा तो ले लेना, ठीक है? चलो जापानीज, आपने कितना सारा हलवा डाल लिया, इतना खा पाओगे? लो स्पून ले लो, चलो ले लो, आ जाओ। और नाइट में हम जा रहे थे दादी हाउस, मैंने उन्हें फोन करके बता दिया था कि हम नाइट स्टे करने वहीं आएंगे, एंड शी वाज वेरी हैप्पी टू मीट द कैंश, सो वी वर गोइंग देयर। वहाँ जाने से पहले हमने मंदिर में भी मत्था टेक लिया था जहाँ हम रेगुलरली जाते थे, तो वहाँ भी हम आ गए थे। और ये है नेक्स्ट डे आफ्टरनून का क्लिप, ये वहीं घर के पास एक नर्सरी, बहुत बड़ी नर्सरी है, यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स मिल जाते हैं। तो मैं कुछ प्लांट्स लेने के लिए यहाँ पर आई थी, तो क्विकली मैंने कुछ प्लांट्स लिए जो मैंने डिसाइड कर रखे थे, प्लांट्स लेके मैंने ड्रॉप करा दिए थे घर पे, और मैं आ गई थी मार्केट एरिया में। मार्केट से मैंने कुछ प्रिंट्स लेने थे कैंश के प्रोजेक्ट्स के लिए, और कुछ खाने पीने की चीज़ें ले ली थी रेगुलर वाली। और ये है हमारा पुराना एरिया जहाँ से हम रेगुलरली जाते थे। नए घर में अभी टीवी का सेटअप वगैरह नहीं हुआ है, तो कैंश ने यहाँ पर आने के बाद टीवी एंजॉय किया, तो ही वॉज वॉचिंग हिज गेम जो उसे बहुत पसंद आती है, तो ही वॉज जस्ट वॉचिंग द गेम, और साथ में अपना खाना भी खा रहा था। और मैं यहाँ पर लेके बैठी थी कैंश के प्रोजेक्ट वर्क, उसके स्कूल के कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट कराने, और साथ में मैंने खाना ले लिया था, आज दाल के परांठे में दही लिया है, बहुत ही अच्छे बने थे। और ये है मंदिर हमारा जहाँ पर मैं हमेशा पूजा करती थी, और मंदिर तो हमेशा मुझे बहुत सुकून देते, तो मैंने आराम से आरती करी। और ये कैंश के प्रोजेक्ट में बने हुए गणपति जी थे, मैंने यहाँ लगाए थे। कैंश इवनिंग में गया था पार्क में नीचे प्ले करने के लिए। अच्छा है, दादी जब तक है तब तक तो आएगा। मैंने कहा, कह रहा दादी हम जब वहाँ रहेंगे ना, बिल्कुल तम इधर ही हम इधर ही आ जाएंगे। अच्छा, शिफ्ट हम इधर ही कर देंगे कमरे में, कमरा खाली है ना, दादी फिर हम इधर ही आ जाएंगे, ये हमारा घर है ना, तो हम यहीं आ जाएंगे। जब तक कैंश पार्क में प्ले करने के लिए गया था, मैं छत पे आ गई थी वॉक करने के लिए। खूबसूरत सा मौसम आज, फिर स्काई देखने को मिला खुला खुला, मजेदार। ये एक वो चीज़ है जो मैं कभी मिस नहीं करना चाहती, स्काई वॉचिंग इज जस्ट अ
कामिंग थिंग फॉर मी. सो आई वॉज हियर और मैं आपको प्लांट्स दिखाती हूँ यहाँ पर कितने सुंदर ग्रो हो गए हैं. बारिश के मौसम में ना प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो हो जाते हैं. नया पौधा लगा है यहाँ पर, इतने ग्रीन ग्रीन प्लांट्स देख के ना मेरा तो मन बहुत खुश हो जाता है. डिफरेंट डिफरेंट तरह का यहाँ पर प्लांट्स लगे हुए हैं. और पहले यहाँ पर हमेशा ही रोज़ ही वॉक करने के लिए आते थे तो रोज़ मैं इनको देख लेती थी. आज काफ़ी दिन के बाद देखा और इसके बाद मैंने थोड़ी देर छत पे वॉक भी कर ली थी. यहाँ पर वापस आके ना फिर से इमोशन वाली फीलिंग आ जाती है और मतलब थोड़ा सा माइंड ना इमोशनल हो जाता है, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस. बट हाँ, सबसे मिलके काफ़ी अच्छा लगता है. तो सबसे मिलके हम रात को आ गए थे वापस बिकॉज नेक्स्ट डे कैंश का स्कूल भी था. तो ये था आज का ब्लॉग. आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो. अगर आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो. बड़ी मेहनत लगती है ये सब करने में. इतने हेक्टिक स्केड्यूल के बाद ये सब करना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट आपसे शेयर करके अच्छा भी लगता है. तो प्लीज़ लाइक द वीडियो. आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय गाइज़.